तिलक है और मेरे इस YouTube चैनल तिलक मेक लुक्स में आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं दुर्ग शहर का एक मोहल्लई गांव छातागढ़ मोहल्ले जिसको बोलते हैं, जहां पे हनुमान मंदिर है दोस्तों और बहुत सारे देवी देवता विराजमान है और साथ ही साथ दोस्तों शिवनाथ नदी का एक छोर पड़ता है यहाँ पे और ये बहुत बड़ा मतलब दुर्ग शहर का पिकनिक स्पॉट जिसको मानते हैं दोस्तों। बहुत दूर दूर से यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं अपने फैमिली को लेके। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ अभी दुर्ग पे, दुर्ग से मैं निकल रहा हूँ और सामने आप लोग को मैं दिखाऊंगा कहाँ से आप लोग को मुड़ना है। इंदिरा मार्केट जाने वाली रोड है जो वहीं से आप लोग को मुड़ना है, जिसको हम लोग चंडी मंदिर वाली रोड भी बोलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से आप लोग को मुड़ना है और सीधा चलना है, चंडी मंदिर वाली रोड है ये दोस्तों। इधर से आपको दुर्ग इंदिरा मार्केट भी पड़ेगी जहाँ सब्जी मार्केट होती है और ये सीधा हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर और साथ ही दोस्तों ये चंडी मंदिर भी आप लोग को देखने को मिलेगा इस रास्ते में। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो आप लोग को ये जो हनुमान मंदिर है और दोस्तों चंडी मंदिर है, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को मोहल्लई छातागढ़ का भी साथ में मतलब देखने का मौका मिल सकता है और देख सकते हो, पिकनिक भी मना सकते हो। तो ये एक सीधा सीधा लाइन है, आप लोग को कहीं नहीं मुड़ना है, सीधा जाना है। मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ और काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो चल रहे हैं, आप लोग को कैमरा में आप लोग को दिखा रहा हूँ कैसे किधर से जाना है। तो थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ मैं और ये सामने हनुमान मंदिर है, ये देख लीजिए, ये काली मंदिर है और जस्ट सामने हनुमान मंदिर मिलेगा आपको। ये सामने मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, ये देख लीजिए, ये हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर है और ये सामने आप लोग को चंडी मंदिर मिलेगी। ये चंडी मंदिर है दुर्ग का, बहुत फेमस चंडी मंदिर है, दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। हमको सीधा इसके जस्ट बगल से ही जाना है, जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ही आप लोग को भी जाना है। तो सीधा चलते हैं दोस्तों, फिर आप लोग को आगे मैं आप इसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों दुर्ग शहर का बहुत ही नामी है मोहल्लई गए, मोहल्लई छातागढ़ जिसको बोलते हैं और दूर दूर से यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और ठंड के दिन में तो आप लोग को आना ही यहाँ पे चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों, आपको सामने आप लोग को ये थोड़ा सा बाजार टाइप का मिलेगा दो तीन, वहाँ से आप लोग को सीधा गुजरना है, कहीं नहीं मुड़ना है। जैसे मैं जा रहा हूँ सीधा सीधा चलना है, दो तीन जगह बाजार बाजार टाइप का छोटा छोटा सा लगता है। सामने आपको बिजली का सब, जो बिजली का वो होता है सब स्टेशन बोलते हैं, वहाँ से आप लोग को कटना है। वहाँ पे लिखा हुआ है मोहल्लई छातागढ़, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये सामने जो देख रहे हो जैसे स्कूल है, स्कूल के जस्ट आगे थोड़ा सा आगे जैसे जाओगे तो आप लोग को कटने को मिलेगा, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कटने का छातागढ़ मोहल्लई, मोहल्लई छातागढ़, दोनों एक ही रोड में लिखा हुआ है। और दोस्तों सब स्टेशन मतलब बिजली का जो ऑफिस है यहीं पे है, इधर ही से आप लोग को जाना है। ये देख लीजिए, ये बिजली का ऑफिस है, ये बिजली का ऑफिस है, इसको देख लीजिए। तो दोस्तों कुछ ही मतलब कुछ ही डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर या 1 से 2 किलोमीटर दूर होगा गांव, उसके बाद गांव से लगा हुआ ही है, लगभग वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर होगा मोहल्लई छातागढ़ मंदिर। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि अब मैं रास्ता इसलिए नहीं दिखाता हूँ कि बहुत लोग स्किप कर देते हैं, नहीं देखते हैं रास्ता। बाकी आप लोग को रास्ता देखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए व्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप लोग को रास्ता दिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, गाँव के बारे में बताया जाता है, तो ये आप लोग को देखना चाहिए। तो चलते हैं, गाँव हम लोग आ गए हैं मोहल्लई गाँव, ये गांव है, बहुत प्यारा सा गांव है, साफ़ सुथरा गांव है, यहीं से हम लोग को चलना है। और ये गांव का जो माहौल है, ये सामने स्कूल है, गांव में जो रहते हैं बहुत सुकून से रहते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, गांव से सब चीज़ मिलता रहता है। मतलब बोलने का मतलब ये है, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं हर एक चीज़ को आपको खरीद के खाना पड़ता है, वो गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता है, खेती बाड़ी दुनियादारी सब चीज़ लगा हुआ रहता है। तो गांव में सुकून, एक सुकून सा पल सा रहता है। तो हम लोग मंदिर आ गए हैं, ये सामने शिवनाथ नदी है झुलना के उस पार और ये मंदिर है,
आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं मंदिर। और सामने आप लोग को पूजा करने के लिए सामग्री मिल जाएगा, नारियल, अगरबत्ती और ढेर सारे आइटम जो है जो पूजा में लगते हैं वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये बगल में भी है, अंकल जी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये वापसी में मैं इनसे ले लूँगा। तो चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं सामने, अंदर जाके मंदिर पूरा दर्शन कराते हैं क्या क्या है आप लोग। मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस मंदिर के बारे में, बाकी बहुत ही खूबसूरत है। और ठंड के दिन में आप लोग को यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए, एक बार पिकनिक मनाने के लिए ज़रूर आना चाहिए अपने फैमिली के साथ। तो देखते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों पीछे का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है सर, इधर का तो जो भी है मंदिर है, लेकिन पीछे का भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। नदी है और प्लस वहाँ पे सीढ़ियाँ भी है बैठने के लिए, खाना पकाने के लिए जंगल टाइप का है, वो सब आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को सबसे पहले मंदिर में जो भगवान है उनका मैं दर्शन करा देता हूँ। ये हनुमान भगवान है, तो दर्शन कर लीजिए, वीर हनुमान, संकट मोचन हनुमान भगवान है, आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें जो भी वीडियो देख रही है उनके। तो सामने और चलते हैं, एक बाइक वाले आए हैं जो कि पूजा करवा रहे हैं अपने बाइक की, साथ में उनके बच्चे भी हैं, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा है, वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पूजा करवाने के लिए आया है। सिद्ध हनुमान मंदिर छातागढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये नई बाइक है, यहीं पे पंडित जी हैं, उनके उनसे पूजा करवाने के लिए आए हैं। दोस्तों मेरा थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा। ये हनुमान मंदिर है, देख लीजिए, तो दर्शन कर लीजिए वीर हनुमान का। तो आप सभी का शुभकामनाएँ इन सब जो है देख रहे हैं उन सबका शुभकामनाएं यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ और ज़्यादा तबीयत उतना ख़राब नहीं हुआ है। तो चलते हैं आगे, आप लोग को दिखाते हैं, ये कृष्ण भगवान है। दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में भी लाइव रहता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी एक बार आप लोग को करना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी और कहाँ का वीडियो आप लोग को चाहिए, ताकि मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ देख के। बाकी आप लोग वीडियो देखते हो लाइक भी नहीं करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, कोई आप लोग को कुछ दिखा रहा है तो उसका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, बट लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ढेर सारे भगवान यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पे भी है छातागढ़ सिद्धपीठ। दोस्तों यहाँ पे शायद मेला होता है, शिवरात्रि के टाइम में मेला होता है, बाकी पंडित जी से मैं बात किया हूँ तो मेला नहीं होता ऐसा बोल रहे थे, बट मुझे पता है एक दो बार मैं यहाँ पे आया हूँ मेला के टाइम में, शिवरात्रि में छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, बाकी आसपास वाले लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो आप लोग भी शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे विज़िट कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, सेल्फी और पिकनिक स्पॉट जिसको बोल सकते हैं। और दूर के शहर में रहते हो तो आप लोग को तो यहाँ पे आना एक बार, कम से कम साल में एक बार आना ही चाहिए घूमने के लिए। और ये पीछे का मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसा है नज़ारा, ये लास्ट साइड है मंदिर का, तो दर्शन हो गया। और ये पंडित लोगों का रहने का है, पीछे मैं आप लोगों को वापस लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ, पीछे साइड चलते हैं हम लोग, जितना देखना था हो गया, हम लोग दिखा दिए आप लोग को, यहाँ से तो नहीं जा सकते, पीछे से चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं पीछे साइड चल जाके। और ये शिव भगवान है, शिवलिंग है, उनको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है और बेलपत्र भी चढ़ा हुआ है। तो पीछे साइड हम लोग जाएंगे दोस्तों, वीडियो तक आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ बताना मुझे कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलना। चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं पीछे साइड। दोस्तों
अगल बगल में भी मंदिर है, ग्राउंड साइड भी जो है मंदिर है, बहुत सारा मंदिर है, शिवलिंग है। जहाँ तक मैं आप लोग को लास्ट टाइम मतलब जाने से पहले उन लोग को मैं आप लोग को दिखाऊंगा कौन कौन सा मंदिर है वहाँ पे। और ये हनुमान जी का से मैं अगेन आप लोग को दर्शन करा दे रहा हूँ। उसके बाद पीछे साइड चलते हैं दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं पीछे साइड का जो माहौल है, जो रौनक है वो पीछे साइड भी है, तो आप लोग को लेके चलता हूँ पीछे साइड। और यहाँ पे हवन होता है, हर साल होता है हवन यहाँ पे। और ये भी छोटा छोटा सा मंदिर है, शिवलिंग है और माँ दुर्गा है, गणपति महाराज हैं, उन लोग को थोड़ा लॉक करके रखे हुए हैं, उनको बस खोला गया है। दुर्गा माता है और बगल में गणपति महाराज हैं। तो दोस्तों बेसब्री से आप लोग को भी इंतज़ार है पीछे साइड जाने का, मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ। इस तरह से जाते हैं, जिस ये पीछे जाने का रास्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इधर ही से चलते हैं। ये गली मतलब गली जो दिख रहा है वहीं पे इधर से जाना है हम लोग को। थोड़ा गार्डन टाइप का है, अच्छा सा है, सेल्फी यहाँ पे ले सकते हो, सेल्फी स्टिक बोल सकते हो, या फिर पिकनिक मनाने का भी यहाँ पे है। और यहाँ दोस्तों खाना बनाने का भी सुविधा है, रुकने का भी सुविधा है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोग दूर से आ रहे हो तो यहाँ पे खाना बना सकते हो, रुक सकते हो। और दोस्तों ये शिवनाथ नदी का एक छोर पड़ता है यहाँ पे, जो आप लोग सीढ़ी दिया हुआ है जहाँ से आप लोग उतर सकते हो, नीचे जा सकते हो, देख सकते हो, देख लीजिए। बरसात के दिन में भी बहुत खूबसूरत सा लगता है, हरा भरा सा लगता है। और मेरा मानना है दोस्तों आप लोग को ठंड के मौसम में आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत प्यारा मौसम है ये ठंड का मौसम, और घूमने का मौसम ही रहता है, और इस मौसम में ही पिकनिक का मज़ा आता है। तो मैं यही सजेशन करूँगा कि आप लोग को ठंड के मौसम में आना चाहिए। देख लीजिए पीछे जाने का रास्ता यहाँ पे है, और ये सीढ़ी लगी हुई है, और शिवनाथ नदी सामने है। तो पीछे तो हम लोग जाएंगे, लेकिन आप लोग को घर का थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं, फिर पीछे जाएंगे। ये सिद्ध श्री नागदेव हैं, नाग नागिन का जो भी है। पीछे चलते हैं, थोड़ा आगे और दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। कुछ लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, आप लोग को मैं दिखाता हूँ सामने जाके। ये सीधा सीधा है, वह बहुत दूर में है, मैं आप लोग को थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ। थोड़ा आगे जाता हूँ तब आप लोग को दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत दूर है, नीचे जंगल टाइप का है। वहाँ पे जो चार पांच लोग खड़े हैं वही लोग हैं टैक्सी के सामने, वो लोग पिकनिक मनाने आए हैं और खाना पका रहे हैं। धुआं आप लोग को दिख रहा होगा, तो कुछ मतलब यहाँ पे पिकनिक मनाने लोग तो आते ही हैं, खाना बना रहे हैं। और चलते हैं सामने पीछे साइड, सीढ़ी साइड आप लोग को दिखाता हूँ मैं। ये देख लीजिए पीछे साइड का है, ये फुल सुविधा आप लोग को दिया गया है नीचे जाने का। और बरसात के दिन में भी ये खुला रहता है, और बरसात के दिन में ये पानी पूरा फुल रहता है। तो अभी तो फुल नहीं है, ठंड का मौसम है। तो और देख लीजिए मछुआरा मछली पकड़ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे हैं देखने के लिए हैं। तो ये भाई साहब दौड़ते हुए जा रहा है आपसे, आप लोग को नहीं जाना है। तो बस इतना ही है आपको दिखाने का इधर पीछे साइड का, बाकी पीछे साइड और है जो ग्राउंड बोल सकते हो आप लोग। शाम का समय है दोस्तों, सूर्योदय हो रहा है, और मुझे भी घर जाना है, तो मैं आप लोग को फिर से एक बार दिखा देता हूँ पीछे साइड जो ग्राउंड है वहाँ पे भी कुछ कुछ मंदिर हैं, उसको मैं आप लोग को दिखाना है, तो पीछे साइड भी जाना है, चलते हैं। ये देख लीजिए मछुआरा है, मछली का जाल जो है वो लगा रहा है, और लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं लड़के लोग। ये देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इन लोग टैक्सी में आए हैं वो अलग हैं, और इन लोग भी अलग हैं। इसके बाद मैं ग्राउंड साइड जाऊंगा जहां हम लोग बाइक पार्क किए हैं, और आते सामने साइड आप लोग को मैं
मंदिर जो दिखाया हूँ छोटा छोटा, उन सबको मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और चलते हैं। सो दोस्तों, हम लोग ग्राउंड साइड आ गए हैं, जो पीछे मैं आप लोग को बोल रहा था। और ये छोटा छोटा सा मंदिर है यहाँ पे भी, तो सो छोटा छोटा मंदिर ही यहाँ पे सुबह बढ़ा रहे हैं, देख लीजिए। और मैं आप लोग को दर्शन का, सामने पंडित जी हैं, शिवलिंग है यहाँ पे, बगल में भी शिवलिंग है, महादेव विराजमान है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं सामने। और छोटा छोटा मंदिर है, सामने हवन भी होता है, और यहाँ पे शिव, मतलब यहाँ पे शिव है, शिव मंदिर है, और सामने और मंदिर है दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखना आप लोग को। छोटा छोटा मंदिर है, प्यारा प्यारा मंदिर है, और दर्शन करने के लिए आप लोग आइएगा यहाँ पे। और ये महादेव यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे हवन होता है, और यहाँ पे महादेव विराजमान है। तो वीडियो में आज का बस इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।